हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हमारे वीडियो के अंतर्गत अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसमें हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पैथोजन है, कौन कौन से रोग कारक है जो रोग को फैलाने का काम करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हमने कि कौन सी शाखा जिसमें इन रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, रोग कारक का अध्ययन किया जाता है, हम पादप रोग विज्ञान कहते हैं, और हमने उसकी परिभाषा और शब्दावली के बारे में भी अध्ययन किया। अब हमारा एक नया टॉपिक इससे रिलेटेड आता है कि ये जो रोग प्रकट होते हैं, जो रोग हमें दिख रहे हैं, उन रोगों का क्या नाम दिया जाए, कि विभिन्न प्रकार के रोगों के क्या लक्षण होने पर, कौन सा लक्षण होने पर उसे किस रोग का नाम दिया जाए, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे तुमने अभी पहले अपन ने 2-3 बार हमने पढ़ा, जैसे कि टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, मूंगफली का टिक्का डिजीज रोग या टिक्का रोग, तो ये टिक्का, ये पर्ण कुंचन, मधुरोमिलाशिता या ड्रस्ट स्मट, ये क्या चीज है, हम इसको इसके अंदर इन लक्षणों को पढ़कर उन रोग का नाम देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण। और विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण में सबसे पहला रोग लेते हैं हम रोली रोग या रस्ट। रोली को क्या कहते हैं? रस्ट। ठीक है, रोली रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, तो इनमें जो जंग लगते हैं किसके ऊपर? पत्ती, स्तंभ और रूट, है ना, जड़ों पर, जड़, स्तंभ और रूट, पत्ती, इन तीनों पर, क्या पत्ती, तना और मूल वो भी कह सकते हैं हम इनको, इन तीनों पर क्या है, इस तरह जंग में जैसे स्पॉट बनते हैं, जंग जैसे स्पॉट बन जाते हैं, जंग जैसे स्पॉट बन जाते हैं, स्पॉट का मतलब धब्बे बन जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रस्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, जंगदार स्पॉट, फॉर एग्जांपल एक लोहे पर जंग लगता है तो ऐसे कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड रेड कलर के ऐसे स्पॉट बन जाते हैं। ऐसे ही नॉर्मली तने के ऊपर इस तरह के स्पॉट बन जाना, इस तरह के स्पॉट बन जाना, इसको हम क्या कहते हैं? जंग जैसे स्पॉट बन जाते हैं उसे हम कहते हैं रोली रोग। ठीक है, अब रोली रोग जो होता है ये मोस्टली कहाँ कहाँ होता है? इसके वायु भागों या इसके मोस्टली इन वाले भागों पर या जड़ों पर भी, लेके हम फलों पर भी ले सकते हैं, इनके वायु भागों पर ये मोस्टली होता है। ठीक है, वायु भाग का मतलब होता है जो ऊपर रहते हैं उन भागों पर ये अधिक होता है। और इस तरह जंग जैसे रोग लग जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सत्य रोली रोग कहते हैं। ठीक है, मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? एक नाम बताया था पहले मैंने तुम्हें, पक्सीनिया, है ना, पक्सीनिया ग्रह, मैंने इस नाम बताया था। और मैंने ये कहा था कि इस पर दो परपोषी होते हैं, एक गेहूं इसका परपोषी है और दूसरा इसका एकांतर परपोषी कौन सा है? बारबेरी। ये मैंने जब एकांतर परपोषी, क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ साइकिल उसके ऊपर पूरी करता है, उसको हम कहते हैं एकांतर परपोषी। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले, पक्सीनिया जो कि बेसिडियो माइकोटा, है ना, बेसिडियो माइसिटीज भी ले सकते हैं, या बेसिडियो माइकोटा का सदस्य है और उसमें कौन सा गण है? यूरिडिनेल्स। ये यूरिडिनेल्स गण जो है इसका सदस्य है पक्सीनिया। पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो है ये गेहूं की, जो गेहूं पर डिजीज कोस करता है, गेहूं पर रोली रोग लगाता है। ठीक है, अब ये जो रोग बने हैं, स्पॉट बने हैं, तो ये स्पॉट अलग अलग कलर्स के भी हो सकते हैं, जैसे ये अलग अलग कलर्स के फॉर्म में, ये काले कलर के भी हो सकते हैं, पीले कलर के भी हो सकते हैं और सफेद कलर के भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम अलग अलग नाम से इसको कहते हैं, या भूरे कलर के भी हो सकते हैं, है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? काली रोली, पीली रोली या भूरी रोली, अलग अलग कलर्स के हिसाब से इनको ब्लैक रस्ट कहेंगे, येलो रस्ट कहेंगे,
वाइट रस्ट कहेंगे या ब्राउन रस्ट कहेंगे, ठीक है। इस तरह की रोली जो रोग है, रस्ट जो डिजीज है, वो क्या है, इस तरह जंगदार जो स्पॉट बन जाते हैं उन स्पॉट्स को कहते हैं, जो पौधे के ज्यादातर पौधे के वायव भागों पर बनते हैं, ठीक है। ये है रोली रोग। मोस्टली कहाँ होता है, डेसिडियम माइकोटा के यूरिडिनल्स जो गण है उसमें ये रोली रोग होता है। इसका एक एग्जांपल है हम पक्सीनिया ग्रैमिनिस, जो गेहूं में रोली रोग उत्पन्न करता है। इस पक्सीनिया ग्रैमिनिस के अलग अलग जातियां काली रोली, पीली रोली, भूरी रोली या एल्बुगो के अंदर व्हाइट रस्ट भी डिजीज क्रॉस करती है। तो ये एल्बुगो करता है व्हाइट रस्ट किसके अंदर, सरसों के अंदर। तो ये सारी चीज क्या है, केवल रोली रोग। रोली क्या होता है कि पौधे के वायव भागों पर जंग जैसे स्पॉट बन जाते हैं, जंगदार स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रोली रोग, ठीक है। जब ये इस क्लासेस में ये पूरा रोगों के लक्षण खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ एक डायग्राम आपको दिखाऊंगी जिसमें आप उसको पहचान पाएंगे कि रोली क्या होती है, स्मट क्या होती है, ये मधुरोमिलासिता क्या होती है और चूर्णिलासिता क्या होती है ना। तो ये सब चीजें मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इनको पढ़ लें, इनकी थ्योरी पढ़ लें ताकि आप प्रैक्टिकल उनको आराम से कर सकें, ठीक है। तो पहला हमारा है रोली, है ना। अब सेकेंड हमारे पास आता है, सेकेंड रोग जो है हमारा स्मट या कंद। सेकेंड जो है हमारे पास कंद या स्मट। आप दोनों ही चीज याद करो, रस्ट स्मट इस तरह से भी याद कर सकते हो और केवल आप हिंदी में याद करो तो भी कर सकते हो। दोनों याद करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में, जैसे जेट वगैरह के एग्जामिनेशन में सीधा रस्ट या स्मट इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, पूरा हिंदी नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोनों ही चीजें याद करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। स्मट का मतलब होता है काला चून, काला चून या कज्जली, कज्जली या चारकोल जैसा पाउडर, चारकोल जैसा पाउडर, है ना, कोयले जैसा या चारकोल जैसा पाउडर, कोयले जैसा चूर्ण जो है वो कहलाता है स्मट। अब ये जो है, ये काला जैसा चूर्ण प्लांट के मोस्टली पुष्पीय भाग जो होते हैं, पुष्पीय भागों से बाहर निकलता है, पुष्पीय भागों से बाहर निकलता है, ठीक है। कहाँ से बाहर निकलता है, इसके जो फ्लावर्स वाले पार्ट है वहां से। आप जैसे गेहूं के अंदर देखे तो गेहूं की जो ये बालियां बन जाती है, इन बालियों के अंदर से ये बाहर निकलता है, काला चूर्ण बाहर निकलता है। तो कौन सा रोग होता है, स्मट या कंड डिजीज होती है ना, कंड रोग होता है। अगर हम देखें कि ये किसमें, ये भी बेसिडियोमाइकोटा के वो किसमें था, यूरिडिनेल्स गण था, और ये मोस्टली किसमें होता है, अस्टिजिनेल्स, अस्टिजिनेल्स या का जो वंश है अस्टिलाबो, है ना, अस्टिजिनेल्स या उसका जो अस्टिलोजिनेल, है ना, अस्टिलोजिनेल। ये जो गण है, इस गण का ये जो वंश है अस्टिलाबो, ये अस्टिलाबो स्मट डिजीज कोज करता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्टली ये पुष्पीय भागों से बाहर, ये पुष्पीय भागों को कोज करता है, कारण बनता है उसका, लेकिन कुछ प्लांट में ये जड़ तना पत्ती पर भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। कुछ भागों में जड़ तना पत्ती से भी काला चूर्ण या कोयले जैसा चूर्ण बाहर निकलता है। कौन इसको कॉज करता है, तो बेसिडियोमाइकोटा माइकोटा के गण अस्टिलोजिनेल्स, जिसका वंश है अस्टिलाबो, इसकी अलग अलग जातियां कोर्डाई, अस्टिलाग्रामनी, ठीक है। तो ये अलग अलग इसकी जातियां जो है इसको कंड डिजीज को कॉज करती है। एग्जांपल अगर हम लिखे तो गेहूं का आवर्त कंड,
गेहूं का आवर्तकंड। आवर्तकंड का मतलब ढका हुआ, अंदर की तरफ काला चूर्ण भरा हुआ रहता है। और जौ का अनावर्तकंड, जौ का अनावर्तकंड, ठीक है, सॉरी जौ का आवर्तकंड, जौ का आवर्तकंड और गेहूं का अनावर्तकंड, ये दोनों डिजीज किससे होती है? अस्टिलागों से होती है, ठीक है। और ये कौन सी गण का सदस्य है? ऑस्टिलो जिनेलिस का सदस्य है, और जो कि बेसिलियो माइकोटा में आता है। मोस्टली पुष्पीय भागों पर अटैक करता है, लेकिन कुछ पौधों में ये जड़ तना पत्ती पर भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब आता है आपके तीसरा जो है, ये हुआ कंड का एग्जांपल। अब तीसरा आपके पास आता है मृदु रोमिल आसिता। मृदु रोमिल आसिता, आसिता इसको हम क्या कहेंगे? पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। मृदु रोमिल आसिता, देखो मृदु रोमिल से मृदु मतलब बहुत कोमल, और रोम रोम जैसी, बहुत कोमल रोमो जैसी पाउडरी है ना। आसिता का मतलब है पाउडरी ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये पत्ती है, इस पत्ती के नीचे वाली सरफेस पर, ये पत्ती के ऊपर वाली सरफेस है, पत्ती की निचली सतह पर है ना, निचली सतह पर कॉटन, कॉटन क्या होती है, तुमने कपास देखा होगा, कपास क्या होता है, एकदम व्हाइट होता है, और क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे जैसे इसके अंदर अच्छी सी मृदु रोमिल का मतलब भी अपन भी कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होती है, बहुत कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट हमें रोम दिखते हैं। तो कपास जैसी कवकीय वृद्धि, कपासीय कवकीय वृद्धि कहते हैं उसको, इन कवकों की वृद्धि क्या होती है, कपासी की वृद्धि निचली सतह पर, जैसे मैं यहाँ ये निचली सतह मान लेते हैं अपन, इसके ऊपर इस तरह की व्हाइट व्हाइट वृद्धि होने लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कपास के जैसा बिखरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं कपासीय वृद्धि, ठीक है। तो ये इस निचली सतह पर ये कहलाती है, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये मृदु रोमिल आसिता करने वाले जो कवक है, वो कवक क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी का मतलब अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऐसा है कि वो केवल इसी के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, ठीक है। उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो जो भी फंगस होगी, जो भी कवक होंगे, वो इन्हीं के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेंगे, ठीक है। कोरोनोस्पोरेल्स, कोरोनोस्पोरेल्स, स्पोरेल्स गण जो है, नाम बताया था मैंने, स्क्लेरोस्पोरा, 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 और ये कोरोनोस्पोरेल्स गण किसका है, ओमाइकोटा या ओमाइसिटीज, ओमाइकोटा या ओमाइसिटीज। हमने पहले जब कवक का क्लासिफिकेशन पढ़ा, कवक का वर्गीकरण पढ़ा था, तो हमने कवक को चार भागों में डिवाइड किया था, फाइकोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, दूसरा तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हम यहीं पे ये जो ओमाइकोटा है, फाइकोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज का, ओमाइसिटीज का जो गण है कोरोनोस्पोरेल्स, जिसका मेंबर है, जिसका वंश है स्क्लेरोस्पोरा, ये स्क्लेरोस्पोरा बाजरे के अंदर मृदु रोमिल आसिता दिखाता है, बाजरे की मृदु रोमिल आसिता, बाजरे के अंदर उसकी लीफ के अंदर नीचे की सतह पर कवकीय वृद्धि, सफेद कवकीय वृद्धि हो जाती है, जिसे हम कपासीय कवकीय वृद्धि कहते हैं। और ये जो होते हैं ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, अविकल्पी परजीवी अपना पूरा लाइफ टाइम, अपनी पूरी वृद्धि, अपना गुणन, अपना पोषण सभी इसी से प्राप्त करते हैं,
हम उसे क्या कहेंगे? अविकल्पी परजीवी। ठीक है, बाजरे की स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला ये जो है बाजरे की मृदु रोमेन आसिता बताता है। इसके अलावा अंगूर के पौधे में भी स्क्लेरोस्पोरा जो है मृदु रोमेन आसिता, जो अंगूर की जो पत्तियां होती हैं, फलों में जो पत्तियां होती है, वो पत्तियां उन पत्तियों पर भी ये मृदु रोमेन आसिता दिखाता है। ठीक है, तो पत्तियों के नीचे ऐसा ही जैसा मृदु रोमेन आसिता पड़ा वैसे ही दूसरा आता है हमारे पास चूर्णिल आसिता। जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है उसे चूर्णिल आसिता या छाछा रोग है ना, चूर्णिल आसिता या छाछा। वहां क्या था, पत्ती के निचली सतह पर ग्रोथ पाउडरी ग्रोथ या हम कहेंगे कपास जैसी कवकीय वृद्धि हुई थी, यहाँ पर चूर्ण ना चूर्ण जैसी पाउडरी ग्रोथ है ना, चूर्ण ये चूर्ण है, ये पत्ती है, पत्ती की ऊपरी सतह पर चूर्ण व्हाइट चूर्ण या सफेद पाउडर के समान जो ग्रोथ हो जाती है, सफेद चूर्ण जैसी वृद्धि हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चूर्णिल आसिता या इसको हम कहेंगे पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू उसमें क्या था, उसमें कपासी वृद्धि होती है और पत्ती के निचली सतह पर होती है, इसमें पाउडर जैसी ग्रोथ होती है, चूर्ण बन जाता है सफेद और पत्ती के ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, ये पत्ती के ऊपरी सतह पर होता है और ये भी एक अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी का मतलब है ये भी एक स्पेसिफिक जो होस्ट है उसी के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर देता है, पूरी करता है। और ये है एस्कोमाइकोटा, जो एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइकोटा का जो गण है एरीसाइफेल्स जिसका वंश है एरीसाइफी इसको इस डिजीज को होस्ट करता है। ठीक है, चूर्णिल आसिता को कोस करता है। तो अगर आपको आए कि पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू में क्या अंतर है, तो आपको ये लिखना है इसके अंदर, ये एरीसाइफी इसको कोस करता है। एग्जांपल है इसके बेर का छाछा रोग, बेर का छाछा रोग या मटर की पाउडरी मिल्ड्यू, मटर का छाछा रोग, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम दोनों में अंतर देख लेते हैं कि चूर्णिल आसिता या और मृदु रोमेन आसिता में क्या अंतर है। ठीक है, तो चूर्णिल आसिता और मृदु रोमेन आसिता में अंतर, सफेद चूर्ण या पाउडर के समान वृद्धि,
पाउडर के समान वृद्धि। तीसरा आपको लिखना है ये है ओमाइकोटा से संबंधित है, ओमाइकोटा से संबंधित है और ये एस्कोमाइकोटा से संबंधित है। ठीक है, फिर आएगा इसका वर्गीकरण लिख लो। वर्गीकरण में ये ओमाइकोटा पेरेनोस्पोरल्स स्पोरल्स और स्क्लेरोस्पोरा स्पोरा। ठीक है, और इसमें लिखो एस्कोमाइकोटा एरिसाइफेल्स और एरिसाइफी। ठीक है, फिर पांचवा हम इसके एग्जांपल लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे एग्जांपल में, बाजरे की मृदुरों में आसिता, बाजरे की मृदुरों में आसिता और इसका क्या लिखेंगे बेर का छाछा रो, बेर का छाछा रो। इसका इस तरह जैसे मैंने मृदुरों में आसिता और चूर्णिल आसिता के बारे में बताया, आपको ऐसे ही रस्ट होली और स्मट के अंदर भी बताना है कि रस्ट और स्मट में क्या अंतर है। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनेशन में आता है, तो ये आप बता दीजिए एक बार, फिर मैं आगे तुम्हें बताती हूँ। तो ये जो है मृदुरोमिल आसिता और चूर्णिल आसिता, अब हम इसके आगे के करेक्टर हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप अभी रस्ट स्मट और चूर्णिल आसिता और मृदुरोमिल आसिता के बारे में पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।